नाजन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज तारीख 2 अक्टूबर है। आज का दिन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इसलिए भी अहमियत कायल है कि आज फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान की आजादी में गांधी जी का किरदार अहम रहा है। गांधी जी अहिंसा के कायल थे। आपने आजादी जैसे संगीन मसले पर भी हिंसा को तरजीह नहीं दी। गांधी जी ने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सीधी सादी जिंदगी गुजारी है। गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के हर शहरी को मसावी हुकूक दिए जाएं। आपने हमेशा मुल्क की बेहतरी और मुल्क के हर शहरी की बेहतरी चाही। लेकिन आज 2021 में गांधी जयंती के इस मौके पर हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या गांधी के ख्वाबों का वो हिंदुस्तान आज भी बाकी है? क्या अहिंसा के पुजारी आज भी जिंदा हैं? क्या मुल्क के हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं? इन तमाम सवालों के जवाब में हम बस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहां गांधी की कुर्बानियों और गांधी की शख्सियत को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा हो, वहां गांधी की विचारधारा और ख्वाबों की ताबीर का तो पूछना ही क्या। जिस मुल्क की आजादी के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया हो, जेल गए हो, आज उसी मुल्क में गांधी के यौम पैदाइश पर गांधी की तस्वीर पर गोली चलाई जाती है, यानी गांधी को दोबारा मार दिया जाता है। वहीं गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की विचारधारा को तस्लीम किया जा रहा है और गांधी के बजाय गोडसे की पूजा की जा रही है। आज गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर ट्विटर पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है। तकरीबन 61,000 से जायद लोग ट्वीट कर चुके हैं। ये लोग गोडसे की हिमायत में ट्वीट कर रहे हैं। खैर, इन तमाम हालात को देख अफसोस तो होता ही है, साथ ही साथ हैरत भी होती है कि असलाफ की कुर्बानियों का क्या खूब सिला दिया जा रहा है। और इन तमाम हरकतों को अंजाम देने वाले वो लोग हैं जिनका खून तो दूर, आजादी की खातिर इनका पसीना तक नहीं बहा। एक बात यहां समझने वाली है कि बार बार गांधी को मारकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या गांधी को एक बार गोली मारकर इन्हें तसल्ली नहीं हुई? आखिर क्यों गांधी की बेअदबी की मुसलसल कोशिशें जारी हैं? यहां सिर्फ गांधी की अहमियत को खत्म करना मकसद नहीं है, बल्कि गांधीवादी को खत्म करना मकसद है। मसावात को खत्म करना है, जमहूरियत को खत्म करना है, अहिंसा को खत्म करना है और मुल्क को दूसरी दिशा की तरफ ले जाना है। ऐसी दिशा में जहां सिर्फ हिंसा की बात हो या हिंसा पर बात हो, जहां निचले तबके को कोई आजादी न हो, जहां आला जात वाले को आला जात वालों का राज हो, जहां इंसाफ जात और नस्ल की बिना पर हो, मोहब्बत को कोई जगह न हो, जहां सिर्फ नफरत ही नफरत हो। खैर, मकसद जो भी रहा हो, फिलहाल ये घिनौनी हरकतें दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली जरूर हैं।